मुल्की सियासत में गहमा गहमी के दौरान इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी और इत्तेहादी जमातों की नाकामी के बाद ताज़ा मुल्की सियासी सूरतेहाल के तनाजर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। ज़राए के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की शिकस्त का जायजा लिया और सूबे मरकज में आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। तीनों रहनुमाओं ने बातचीत में इत्तफाक किया कि इत्तेहादियों की मुशावरत के बाद तफसीली लाहे अमल इख्तियार किया जाएगा।